हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एनी अग्रवाल। और पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियोस को इतने लाइक दिए। उसके बाद मेरी तरफ से सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। वैसे तो हर दिन ही मदर्स डे होता है, मगर आजकल लोग अपने कामकाज में इतने बिजी हो गए हैं कि उनको तो कुछ याद ही रहता है। इसलिए शायद ऐसे डेज बनाए गए ताकि उनको उनके रिश्ते नाते वापस याद आ सके। और जैसे कि आपको बताया कि आज मदर्स डे है, तो आज की मेरी कहानी भी मदर्स डे के ऊपर। एक राजा था जिसके पास बहुत धन था और वो राजा पूरे विश्व को जीत चुका था। एक दिन उसने सोचा कि मैंने जिन जिन लोगों से कर्ज लिया है या फिर कोई मदद ली है, मैं उनको उनके कर्ज मतलब उनको मैं पूरा मुक्त कर दूंगा। मैं किसी के भी कर्ज से नहीं रहना चाहता। तो उसने अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री ने उसको सब बता दिया कि ऐसा 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 है। फिर बाद में महामंत्री कुछ सोचने लगा और उसने कहा महाराज से, महाराज एक ऐसा आदमी है जिसका कर्ज आप क्या दुनिया में कोई भी नहीं चुका सकता है। राजा सोचने लगा कि वो आदमी है कौन। फिर राजा ने जब पूछा तो मंत्री ने बताया, महाराज आपकी माँ, दुनिया में माँ का कर्ज आप क्या कोई भी नहीं चुका सकता है। महाराज ने बोला, मेरी माँ को बुलाया जाओ, उसकी माँ। फिर भरी सभा में अपनी माँ से पूछा, माँ तूने बचपन से मेरे पर जो जो भी कर्ज करे उन सबको मैं चुकाना चाहता हूँ। माँ को झटका लगा और दुख भी हुआ और माँ बोली, बेटा ऐसा कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसे ये पूछे कि आपके प्यार की कीमत क्या है। माँ ने बोला कि मुझे तेरे पूरे साल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कल का तेरे पूरा दिन चाहिए, तेरे कल के पूरे 24 घंटे चाहिए। इन 24 घंटों में जो जो तू मेरे कर्ज दिखाएगा मेरे लिए, जो जो मैंने तेरे लिए किया है, तो मैं देखो तेरे कर्ज से मुक्त कर दूंगी। अगले दिन जब राजा उसके कक्ष में सुबह सुबह गहरी नींद में सो रहा था, तब उसकी माँ उसके कक्ष में आई और उसकी माँ ने बोला, बेटा मुझे दूध पीना है। राजा चिल्ला के बोला, माँ महल में इतने सारे दास और दासी और तुम मुझे जगाने आई हो। माँ ने बोला, बेटा जब तू छोटा था ना, तब भी महल में इतने सारे दास और दासी थे, मगर तू सिर्फ मेरे पास आता था और मैं तुझे देती भी थी। महाराज गया और उसके लिए दूध लेके आया। माँ ने बोला, बेटा ये दूध अच्छा नहीं है। महाराज ने बोला, माँ मैं तेरे लिए इतने प्यार से दूध बना के लाया हूँ और तू बोल रही है दूध अच्छा नहीं है। माँ बोलते, बेटा जब तू छोटा था ना, तब मैं भी तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाया करती थी। तू बोलता था मम्मी इसमें ऐसा ऐसा इसमें ऐसा, आप फिर से मेरे लिए कुछ और बना। तब मैंने तो कभी ना तेरे को डांटा ना कुछ बोला और तू मुझे चाट रहा है। राजा तब चाप सहन तरह दिन भर उसके पीछे नौकरों की तरह घूमा, बट उससे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो ये सोच कर चुप था कभी वो कुछ बोलेगा तो कल पूरी सभा उसका मजाक उड़ाएगी कि पूरे विश्व को जीतने वाले एक राजा आज अपनी माँ के सामने हार गया। वो अपनी माँ का सारा काम करते गया। रात में राजा बहुत थक भी गया था और उसकी माँ ने उससे बोला कि बेटा मुझे तेरे साथ 500 सोना। तो उसने बोला, ठीक है माँ आप सो जाओ। राजा बहुत थक गया था इस वजह से वो जल्दी सो गया, मगर वो माँ कैसे सोएगी जिस माँ को उसके बच्चा बेटा पूछता है कि आपने बचपन से मेरे लिए क्या क्या किया है, भला आप ही बताइए उस माँ को कैसे नींद आएगी। जैसे ही राजा की गहरी नींद लगी, माँ ने उसे उठा के बोला, बेटा मुझे पानी पीना है। राजा उसके लिए पानी लेके आए। माँ ने बोला, अब तो मेरी प्यास बुझ गई है, ऐसा माँ ने 2-3 बार करा। अंत में माँ ने बोला कि रियस मेरे पास में रख दे, जब मुझे पीने का मैं खुद उठ के पी लूँगी। फिर राजा की जैसी गहरी नींद लगी, माँ ने वो पानी का गिलास अपने बिस्तर पर ढोल दिया और राजा को उठा के बोली, बेटा ये मुझसे बिस्तर गीला हो गया है, तू मेरी जगह पर सो जा, मैं तेरी जगह पर सो जाती हूँ, मुझे गीले में नींद नहीं आएगी। राजा चिल्ला के बोलता है, माँ मैं दिन भर तेरे पीछे नौकरों की तरह घूम रहा हूँ और आज तूने बिस्तर गंदा कर दिया, तो तू चाहती है कि मैं वहाँ पर सो, तू चाहती क्या है मुझसे। माँ के मुँह पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई, उसने बोला, बेटा मेरे पापा के घर पर इतने सारे दास और दासियाँ नहीं थे, फिर भी मैं राजकुमारिया की तरह रही हूँ, मैं जो बोलती वो लोग मेरे लिए वो करते, मेरी माँ मेरे अपने हाथों से खाना बना के मुझे खिलाती है, मगर जब से तू मेरे जीवन में आया तब से मैं सब भूल गई, मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरे सब कुछ तू है और आज मैंने बिस्तर पे पानी ढोल दिया तो तू मुझे इतना चिल्ला रहा है। तो राजा को अपने में लज्जा महसूस हुई और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ बोली, बेटा जब तू छोटा था ना, तब तूने कितनी बार बिस्तर गीला करा था, मैं तो हमेशा सूखे में सुला देती थी और मैं खुद गीले में सुलाती थी ताकि तेको ठंड ना लगे, और तो ऐसे चुकाएगा मेरा कर्ज। राजा का अपने आप में लज्जा महसूस है और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और बोला, और माँ बोली कि बेटा ऐसा कोई माँ नहीं चाहिए कि उसका बेटा कभी भी ज़िंदगी में हारे, इसलिए मैं खुद ही सबके सामने बोल दूँगी कि मेरे बेटे ने मेरा कर्ज चुका दिया है और वो अब मेरे कर्जों से मुक्त भी हो गया है। अगले दिन जैसे ही राजा सभा में गया, सब लोग उससे पूछने लगे, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ। राजा बोला,
कि मेरी माँ को बुलाया जाए। उसकी माँ जैसे ही आए, राजा अपने सिंहासन पर से उठा और अपनी माँ को अपने सिंहासन पर आदर के साथ बिठा दिया और बोला, मैं पूरे विश्व को जीतने वाला ये राजा आज अपनी माँ के सामने आ गया। ये बोलते हुए राजा को जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही थी। और जो राजा कल तक ये सोच रहा था कि पूरा सभा उसका मजाक उड़ाएगी, बल्कि पूरी सभा उसके लिए तालियां बजा रही होती है और सब लोग बोल रहे होते हैं, महाराज आज हमारी आंखों में आपकी इज्जत और बढ़ गई है। अर्थात हम जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाए, मगर कभी हमें उनसे बड़ा नहीं बनना चाहिए जिनने हमें बड़ा करा। कभी हमने ऐसा करा तो इस दुनिया में हमसे छोटा कोई नहीं रह जाएगा। थैंक यू। इससे हो इससे सेफ।